देश दुनिया की हर वड्डी खबर हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब दे लई अज इतिहासक दिन सी। अज बीजेपी नूं छड्ड के पंजाब दीआं तमाम राजनीतिक पार्टियां गवर्नर नाल मुलाकात करके आईआं ने, मंग मन्नी है कि राष्ट्रपति नाल मिलन दा समां दित्ता जावे। साडा इत्थे गुरजीत औजला जी ने एम पी ने एम पी साहब अज मंग पत्र देण गए। तुसीं मुलाकात लई भी टाइम मंगिया, कानूनां नूं रद्द करन लई भी जो तुसीं दस्तावेज तैयार कीते विधानसभा दे अंदर उहनां ते साइन करन लई कहा। की गलबात होई, कोई भरोसा मिलिया? तुहानूं लगदा कि गवर्नर साहब जो विधानसभा दे विच जिहड़ी की कार्रवाई की गई है उत्ते मोहर लाउण? देखो, गवर्नर साहब नूं उत्ते मोहर लाउणी चाहीदी है, ये लोकतंत्र प्रक्रिया है। अज उत्थे कोई भी विरोधता एक वर्ड दी भी नहीं हुई, बिल ते किसी ने किंतु परंतु नहीं किया। सारियां पार्टियां ओपोजिशन और मौजूदा कांग्रेस पार्टी जी बिल लेके आई मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी रहनुमाई दे हेठ, जिन्होंने पानिया के रखवाले कहा जाता सी, अज तो वह किसान खेत मजदूर के रखवाले पहलों तो गिने जाते अज, पर उन्होंने इच्छा शक्ति अपनी एक चंगा बिल लिया के जाहिर कर दिती। और उसे उन्होंने सब तो वड्डी जी अगे भी जी शंका है लोगों के मन के भी क्लीयर कर दिती कि किस वो सोचते कि ये बिल इतने रद्द हो जाएंगे, शायद ये खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, असी कानूनी लड़ाई भी लड़ांगे ते जे कोई साढ़े ते दबाव पाने की कोशिश करनगे असी रिजाइन भी करांगे। ये इच्छा शक्ति सीएम साहब ने पंजाब प्रति अपनी दिखाई है। कितने कितने उन्हां दीआं गल्लां दे विचों ये शंके भी जाहिर हो रहे थे कि गवर्नर शायद मोर ना लगाउण, राष्ट्रपति तो भी टाइम मंगण की गलबात कही गई, अस्तीफा देने तक की गलबात कह दी गई। लगता है कि शायद जो संविधानिक लड़ाई वो लड़ाई वीक पै जाए, कानूनी लड़ाई लड़नी पै जाए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि गवर्नर साहब भी नॉमीनेटड ने और राष्ट्रपति साहब भी उन्होंने गल ही सुनते हैं। जे कोई राष्ट्रपति साहब जे यही जी चीज़ों का ध्यान रखते, जो राज्यसभा उन्होंने धक्के ना बिल पास किया तो राष्ट्रपति साहब न उत्ते बिल रोकना चाहिए, ही दोबारा राज्यसभा भेजना चाहिए सी। पर उन्होंने उत्थे धक्के ना, जिदा मजोरिटी उन्हों की मजोरिटी है नहीं सी, मिनोरिटी होंदे हुए भी उन्होंने बिल पास कराया। सो उन्होंने अपनी इच्छा शार शक्ति जाहिर कर दी कि वह किसान वो हक भुगतणगे। हुण राजपाल साहब के उत्ते है कि कदों उपर तक भेजते हैं कि नहीं भेजते, जे ये कमेंट देंगे ने। इस तों बाद अगली रणनीति सीएम साहब और समुचियां पार्टियां और किसान जथेबंदियां रल के तय करनगे। लगातार जिवें अकाली दल ने भी गवर्नर साहब का घर घेरिया सी कि अगर साइन नहीं करते तो दबाव बनाने लई, कांग्रेस भी इस तरीके की रणनीति बनाएगा कि विरोधी धिरां नाल मिल के गवर्नर साहब का भी घर घेरिया। बड़ी क्लीयर है हुण पंजाब दे बच्चे बच्चे की लड़ाई हो गई है, हुण पंजाब दे सारे अर्थचारे च भाईवाल लोगों की लड़ाई हो गई है, हुण एक छोटे तो लैके वड्डे व्यापारिक घराणियां की लड़ाई हो गई है। किसान खेत मजदूर तो पहले संघर्ष उतरिया पाया आ, अज वो मुद्दा नहीं रह गया कि करनगे नहीं करनगे, अज मुद्दा यह कि करना पैना है और असी करा के छड़ांगे और इस वास्ते समुचे असी इकट्ठे हैं। कैप्टन साहब ने कई बार बयान दिते ने, कहिंदे सुप्रीम कोर्ट का रुख करांगे असी, कि हुण तुहाडी गलबात होई आ सरकार दे विच की चल रहा कि कानूनी लड़ाई लड़न वास्ते रुख करोगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो हर जिहड़ा स्टैप है, जदों एक स्टैप अज कंप्लीट होया हुण अगली उन्हां दी वारी है, वो की करदे उस तों बाद फिर करनगे। सो वन बाई वन हुण अगला स्टैप लिया जाएगा। और मैं तुहानूं फिर क्लीयर कर देना चाहुंदा है, जे अज एडा वड्डा स्टैप लिया है तो हुण कोई बंदा ये तो है नहीं कि एक इंच भी पिछे हट जाए, हुण इस तों अगली गल पंजाब दे हितां नूं मुख रख के ही होएगी। एडवोकेट जनरल तो काफ़ी सारे शंके जाहिर होंदे रहे आ, अपने प्रधान तुहाडे भी यह कहिंदे रहे कि एडवोकेट जनरल साहब उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे, उस तरह के पैर भी नहीं कर रही किसान की कि असी हर मामला जित सकीए। तुहानूं लगता कि एडे वड्डे मामले दे विच उह कार्रवाई चंगी करनगे, कानूनी लड़ाई चंगी लड़नगे ताकि किसान के हित जिहड़े उह रखे रखे जा? कोई भी वकील केस हरदा आ, ठीक है, हारन वाले का नुकसान हुंदा ते वकील की काबिलियत दे उत्ते भी क्वेश्चन मार्क उठता है। आ जिहड़ी लड़ाई है पंजाब की लड़ाई है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई एडवोकेट जनरल होए चाहे आम वकील होवे किते भी कोई कोई सपोर्ट रहन देगा भी जितों कोई अगला बंदा निकल सके। उस तो अलावा ला फर्म्स है ने, कानूनी कानूनदान बड़े वड्डे वड्डे है, उन्होंने सारे की सलाह ली जा सकती है। सो मैं आस है कि वधिया स्टैप कानून के तौर पर भी और जिहड़ा लोकतंत्र तौर पर संघर्ष के तौर पर भी पार्टी बाकियों नाल सलाह करके लेगी। धन्यवाद। इन्हें अमृतसर तो एम पी गुरजीत औजला जो कि कह रहे हैं कि हर तरीके नाल लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे वह संविधानिक होवे चाहे वह कानूनी होए, लेकिन किसान के हित पंजाब के किसान के हित कदे भी मरन नहीं दिते जाएंगे। कैमरामैन दीपक दिना अरविंदर सिंह दैनिक सवेरा टीवी चंडीगढ़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर, लव मैरिज पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647 84374 94648।